सबसे पहली खबर अर्पिता को लेकर, क्योंकि सवाल ये है कि पार्थ और अर्पिता मुखर्जी जिस तरह से इस पूरे मामले में फंसे हैं, उसमें डेवलपमेंट फिलहाल ये है कि 14 दिन की जेल दोनों को जो हो गई है, और कोलकाता कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में आगे भेज दिया है। ईडी को भी जेल में पूछताछ करने की अनुमति दी गई है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि ईडी इस दौरान भी पूछताछ इन दोनों से कर सकती है। तो कोलकाता कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया है। आपको बता दें, हालांकि दोनों ही इस मामले में फंसे हुए हैं। एक तरफ कैश और ज्वेलरी से लेकर कई और ऐसे ट्रांजैक्शंस की रिकवरी अर्पिता मुखर्जी से हुई है, जिसे लेकर पार्थ चैटर्जी और अर्पिता की मुश्किलें अभी आगे बढ़नी, और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी, क्योंकि पार्थ जो कि एक कद्दावर मंत्री थे पश्चिम बंगाल सरकार में, अब 14 दिन की जेल देखिए उनको भेज दिया गया है, लेकिन साथ ही ईडी अभी भी न्यायिक हिरासत में उनसे पूछताछ करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। आपको बता दें कि ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की जान पर खतरा बताया है, उनकी जान को खतरा है, इस बात की जानकारी ईडी के सोर्सेस से आ रही है। जेल में ही अर्पिता के खाने और पानी की जांच हो, अर्पिता को चार से ज्यादा कैदियों के साथ ना रखें, ये भी ईडी की तरफ से कहा गया है। तो जान का खतरा ईडी ने बताया है, क्योंकि जिस तरह के मामले में अर्पिता मुखर्जी अब फंसी हैं और जिस तरह की रिकवरी हुई है यहां से, उनके जरिए कई और लोगों के कॉलर तक हाथ जाएंगे ईडी के, ये एक सबसे बड़ा रिस्क जो है इस वक्त ईडी को भी दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से अर्पिता की जान के पीछे लोग हो सकते हैं, जान को खतरा है, लिहाजा चार से ज्यादा कैदियों के साथ ना रखा जाए, ईडी के सोर्सेज से इस तरह की खबर इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि सवाल ये बरकरार है कि आखिर अर्पिता की जान को किससे खतरा है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस बात का डर है कि अर्पिता ने अगर कुछ कह दिया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और इसी सवाल का जवाब देती हुई देखिए ये रिपोर्ट। अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है। अर्पिता की जान को खतरा क्यों है? अर्पिता को कौन मारना चाहता है? पार्थ चटर्जी की राजदार अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा बताया जा रहा है। अर्पिता को जेल में अलग सेल में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा है, जेल में अर्पिता को मिलने वाले पानी और खाने की जांच हो, अर्पिता को चार और कैदियों के साथ नहीं रखना चाहिए। ईडी की इस जानकारी से यह सवाल जरूर उठता है कि क्या अर्पिता को जहर देने की कोशिश की जा रही है? क्या अर्पिता मुखर्जी को कोई जान से मारना चाहता है? सुरक्षा को लेकर अर्पिता मुखर्जी की तरफ से कोर्ट में भी एक पत्र लिखा गया। इस खत में यह लिखा गया है कि कोर्ट जेल सुपरिंटेंडेंट को आरोपी को डिविजन 1 कैदी की तरह ट्रीट करे और उन्हें जरूरी सुरक्षा दे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अर्पिता की जान को खतरा क्यों है? क्या अर्पिता को किसी के इशारे पर मारने की कोशिश की जा रही है? क्या अर्पिता के पास कोई बहुत बड़ा राज है? क्या अर्पिता किसी के खिलाफ बयान देने वाली है? क्या अर्पिता के बोलने से कोई फंस सकता है? ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के लिए तो खतरा बताया है, लेकिन साथ ही पार्थ चटर्जी के लिए ऐसे किसी भी खतरे का अंदेशा नहीं जताया। ऐसे में अर्पिता पर थ्रेट की इस खबर आने के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आज कोर्ट ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया है, जिसके बाद और कई खुलासे होने के आसार हैं।